माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के देहावसान के बाद कल डॉक्टर रमन सिंह की कैबिनेट बैठी और कैबिनेट बैठक में अटल जी के नाम से संबंधित विश्वविद्यालय, अटल जी के नाम से नई राजधानी का नाम, पावर प्लांट का नाम, जो भी इन्होंने नामकरण रखने की घोषणा की, मुझे उस बात से बहुत शुभता है, बहुत खेद है। डॉक्टर रमन सिंह ने किसी भी और कार्यक्रमों में कभी उनके नाम का जिक्र नहीं किया, कभी उनके नाम पर किसी चीज की घोषणा नहीं की, जबकि दिल्ली से लेकर और छत्तीसगढ़ तक पूरी इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। 9 वर्षों में विभिन्न राज्यों में भी जो चुनाव हुए, वहां अटल जी के नाम का कोई उनकी उपलब्धि का उल्लेख नहीं, उनके नाम का उल्लेख नहीं। इस बार पहली बार लाल किले से नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम का उल्लेख किया, क्योंकि वो 14 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी को देखकर एम्स अस्पताल में आए थे कि उनकी हालत बहुत अस्थिर है, शायद उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये काम किया। 5 किलोमीटर तक अटल जी की शव यात्रा के साथ चलने के बजाय 2 कदम अगर वो अटल जी के आदर्शों पर चले तो शायद देश का भला होगा। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को वो अपमानित कर रहे हैं, इससे भी मैं बहुत व्यथित हूँ, बहुत क्षुब्ध हूँ। रमन जी ये सोचते हैं कि अटल जी का देहावसान, उनको डूबते का तिनके का सहारा मिल गया, और मोदी जी भी यही सोच रहे हैं कि 4 राज्यों में चुनाव है। अमित शाह जी भी यही सोच रहे हैं कि 4 राज्यों में होने वाले चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम का सहारा लेकर हम अपनी नैया पार लगा लेंगे। पर जनता इनकी हैसियत, इनकी चाल, इनके सारे कर्तव्यों को समझ चुकी है और जनता इनके इन अरमानों पर, लोकतंत्र में वोट के माध्यम से पानी फेरा जाता है, जनता उस पर पानी फेरेगी। मैं आपके माध्यम से सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता से यही कहना चाहती हूँ कि अटल जी सबसे ऊपर थे, वो अजातशत्रु थे, वो सर्वमान्य नेता थे, देश से लेकर विश्व में उनके काम की, उनके नाम की तूती बोलती थी। एक कवि हृदय व्यक्ति को के नाम को इस तरह से गलत ढंग से बुनाने की कोशिश मत करिए। जो भी घोषणाएं आपको अगर रमन सिंह जी करनी थी तो 9 साल में कभी भी आप कर सकते थे, और इसी विषय को लेकर निश्चित रूप से मैं बहुत व्यथित और बहुत परेशान हूं।